महंगाई का असर इस बार दिवाली पर भी दिखाई दे रहा है। कोरोना संक्रमण के बाद ये पहली ऐसी दिवाली होगी जो लगातार कोरोना संक्रमण से मुक्त होगा, और ऐसे में धनबाद में दीपावली के लिए मनईजान कुम्हार पट्टी के कुम्हारों का पूरा परिवार पिछले महीने से ही मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के बर्तन, दिया बाती और खिलौने के अंतिम रूप देने के लिए तैयार हो जाते हैं। परिवार के सभी सदस्य खिलौनों को बनाने के लिए जुट जाते हैं, लेकिन मिट्टी की लागत दिनों दिन बढ़ रही है और कोयला भी नहीं मिल पाने के कारण अधिक दाम देकर इनको खरीदना पड़ रहा है। इस वर्ष मौसम खराब होने के कारण भी दिया खिलौना कम मात्रा में बनाए गए हैं। मिट्टी भी मूल्य लेना पड़ता है और पोसाई पड़ता नहीं, सिर्फ खाते जीते हैं यार का। सरकार तरफ से कोई सुविधा उन लोग को नहीं मिलता है, 6 महीने से कर रहे हैं, एक बाद में फिर मुन अपना दुकान लगाएंगे बेचेंगे और फिर पोसा नहीं पड़ता है, तैयो क्या करते हैं, नहीं काम को हम है तो हम लोग इसी काम से खा के जी कर रह रहे हैं। अभी तक खिलौने नहीं बन पाने का कारण यही है कि खराब मौसम ने कहीं ना कहीं खलल डाली है। दिन रात काम कर रहे कुम्हारों को अब आशा है कि उनकी मिट्टी के बर्तन जल्द से जल्द बाजार में बिकेंगे और इस बार बाजार में काफी भीड़ देखने को मिलेगी। बताती हूँ कि कुम्हार के काम में कितना मेहनत लगती है और मेहनत बहुत लगती है। हम लोग अभी स्कूल है, फिर भी हम लोग स्कूल छोड़ कर हम लोग घर में काम करते हैं और पढ़ाई भी साथ में करते हैं। उसके बाद घर के माँ बाप के काम में हाथ बटाते हैं। सुबह से बहुत मेहनत होती है, परंतु हम लोग इसमें कुछ भी लाभ नहीं होता। तो कृपया आप लोग मिट्टी का दाम और सस्ता कर दें, और कोयला भी हम लोग का भट्ठा होता है, मतलब उसमें काम नहीं, जल्दी महंगा हो गया, इसके वजह से हम लोग का भट्ठा नहीं लग पाता। तो कृपया सरकार से यही निवेदन है कि कोयला कृपया हम लोग को लेने दें, और सरकार से अनुरोध करते हैं कि कोयला, लकड़ी एवं मिट्टी सस्ता करे। और मैं आप लोग को दिखाना चाहती हूँ कि हम लोग हर बार दिवाली के त्योहार पे ये देखिए खिलौना रांगते हैं और फिर इसे मार्केट में ले जाकर बेचते हैं, तो बहुत मेहनत से करते हैं, इसमें डुबाते हैं, खिलौना सब फूट भी जाता, इसलिए हम लोग इसे कम से कम 1000 अगर पुराना रहता तो इसको हम लोग 1100 पारते। तो ये देखिए हम लोग खिलौना आज हुआ और फिर कल होगा और ये फिर मार्केट में बिकेगा और इसको फिर घर में सब ले जाकर पूजा करेंगे। महंगाई का असर कहीं ना कहीं दीपावली के इन मिट्टी के बर्तनों पर दिखाई दे रहा है, और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि दिवाली पर महंगाई कहीं ना कहीं भारी पड़ता हुआ जा रहा है। जहां तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, वहीं जो मिट्टी के दिए हैं उनकी भी लागत अधिक होने के कारण अधिक मूल्य उनका भी रखना पड़ रहा है। ऐसे में इस दीपावली पर पूरी तरह से महंगाई हावी है। अब कुम्हारों को आशा है कि इस महंगाई के बावजूद उनके बर्तनों की बिक्री अधिक से अधिक इस बार दीपावली में होगी, ताकि लक्ष्मी जी इस बार उनके घर भी खुशहाली लेकर आएं। मुखर संवाद के लिए धनबाद से एम अली की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।